तो जी हाँ दोस्तों, एकदम मस्त एप्लीकेशन आ चुकी है मार्केट में जिसका नाम है डायरेक्ट पेड फॉर यू। ये एप्लीकेशन में क्या होता है, एकदम मस्त एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, जैसे लाइक मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और बहुत सारे रिचार्ज कर सकते हो और इसके हिसाब से आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये एप्लीकेशन में आपको क्या मिलता है। जैसे दुकानदार भाइयों के लिए ये बहुत फायदेमंद एप्लीकेशन है, अगर ये एप्लीकेशन वो यूज करते हैं तो इनको 3.5 का कमीशन मिलेगा रिचार्ज पे, और ये और दुकानदार भाइयों को शेयर करते रिटेलर को तो आपको इसमें कितना मिलेगा, 0.03 का रिचार्ज कमीशन मिलेगा अगर वो रिचार्ज कराते हैं, शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को यूज करना। तो इसकी मदद से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इसके बारे में बताता हूं। इसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर लेके आ जाएगा, आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा देख सकते हो इसका नाम है डायरेक्ट पेड फॉर यू। देखो मैं आपके सामने दिखाता हूं, जैसे ही मैं दिखाता हूं डायरेक्ट ऊपर में ही देखने के लिए मिल रहा है डायरेक्ट पे फॉर यू। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपल से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें आपको अकाउंट कैसे बनाना है मैं वो आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले तो डायरेक्ट पे फॉर यू इस पर आपको मैं क्लिक करता हूं, एप्लीकेशन मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है, एकदम मस्त एप्लीकेशन है और इसमें आपको कई लैंग्वेज दिए जाते हैं। जैसे देखो आपको इसमें लैंग्वेज दिख रही है, ये सारी लैंग्वेज आपको आप यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए आपको जो भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देना है, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है एप्लीकेशन का, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन का लुक बनाया गया है। तो आपको क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर देना इस तरीके से। इसके हिसाब से आप ऑल इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, उसके बाद वाटर बिल पेमेंट, हर तरह का बिल पेमेंट कर सकते हो। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, अगर आप एक दुकानदार हो ना तो आप इसमें बहुत पैसे कमाओगे, अगर आप ऐसे नॉर्मल यूजर हो तब भी आप पैसे कमाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसा क्या कमाना है। सबसे पहले तो आपको ये परमिशन देनी है, डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देख सकते हो ये आपको पहले बता रहा है इस तरीके से ये ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन होने देना है। और इसमें आपको सिक्योरिटी कौन सी मिलती है, इसमें आपको देखो NPCI की और इसमें आपको BBPS की, आपको इसमें क्या मिलती है, स्टैंडर्ड इसमें वेरीफाइड है इनके अंडर में, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इसमें आपको सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद इसमें आपको परमिशन नाउ पे क्लिक करना है और ऐसे आपको जो भी लोकेशन मांग रहा हो दे देना है। इसके बाद आपको इसमें मोबाइल नंबर है, उसको आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर इसमें एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपल सा आप नीचे लॉगिन विद OTP पे क्लिक करना है। इस तरीके से अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें एकदम बच्चा भी इसमें अकाउंट बना लेता है। तो इसमें आपको देखो यह बता रहा है योर नेम एज पैन कार्ड, तो आपको इसे पैन कार्ड के जैसे जो भी नेम होगा आपका वो एंटर कर देना है। देख सकते हो मैं ऐसे नेम में ऐसे, उसके बाद आपको नीचे ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपकी जीमेल आईडी है। बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पिन कोड का, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड भी इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। देन यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे एक OTP वाला ऑप्शन मिलेगा तो OTP फिल करना है, जो भी आपकी OTP दिख रही है जैसे मैं इसमें बता रहा है 1 60 69 32। चलिए मैं लिखता हूं 1 60 69 32। इस तरीके से डालने के बाद आपको इस तरीके से पूरा फिल कर देना है और एक ऑप्शन मिलेगा आपको एड रेफरल कोड का ऑप्शन। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका रेफरल कोड है ना वो जो स्क्रीन पे दिख रहा हूँ आपको, तो ये रेफरल कोड आपको इसमें सबमिट कर देना है। देन सबमिट नाउ पे क्लिक करके अपना रेफरल कोड ऐसे लग जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ऐसे हमारे इसमें प्लीज वेट बता रहा है, थोड़ी देर वेट करना है और आपका अकाउंट ऐसे बन चुका है। देख सकते हो आपके सामने लाइव अकाउंट बनाया हूं, ऐसे आपको टर्म एंड कंडीशन इनके पढ़ सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, तो ऐसे आपका ये देखो अकाउंट ऐसे क्या हो गया, सक्सेस बन चुका है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये सब आपको डिटेल से एक बार पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको पिन सेट करना होगा, जो भी आपको एक पिन रहता है जो कि बहुत काम में आता है, तो इसको आपको किसी को शेयर नहीं करना है और ये पिन को सेट कर देना है। मैं सेट कर देता हूं। पिन सेट करने के बाद आपको या सेट पिन रीसेट पिन पे क्लिक करना है, आपका पिन ऐसे एक OTP आएंगे, OTP देखो मेरे को बता रहा है अभी ऐसे क्या OTP है। मैं आपको OTP डालने के बाद आपको OTP वेरिफिकेशन पे क्लिक करके ऐसे आपका सक्सेस पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ऐसे मेरे को बता रहा है, देख सकते हो डियर शेख आपका ऐसे अकाउंट ओपन हो चुका है और आपको देखो गुड इवनिंग भी बता रहा है। तो चलिए मैं ऐसे मेरा अकाउंट सक्सेसफुली तो बन चुका है। अब बात करते हैं आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इसमें रेफरल का प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले तो देखो इसमें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो मैं आपको रेफरल प्रोग्राम पे लेके जाता हूं, जिसमें देखो अभी बता रहा है रेफर फ्रेंड्स का ऑप्शन। अगर आप एक दुकानदार हो ना तो ये आपको देखो कैसे शेयर करना मैं बताता हूं। ये रेफरल कोड है, इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। उससे पहले आपको क्या करना है, किसी भी आपको फ्रेंड को या किसी को भी आपको ऐसे रेफर फ्रेंड पे क्लिक करके अपनी लिंक है ना वो शेयर कर देना है डायरेक्टली अपने दोस्त को, जो भी आपका रिटेलर होगा या नॉर्मल फ्रेंड होगा उसको भेज देनी है। देन वो क्या करेगा, रिचार्ज करेगा जितने भी उसके मोबाइल से, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा 0.03 का कमीशन, और ये बहुत अच्छा कमीशन रहता है। आप इसे यूजुअली पैसे क्या कर सकते हो, इससे रिचार्ज कर सकते हो और काट भी सकते हो पैसे। देन मैं आपको देखो एक टर्म समझा देता हूं, यहां क्लियरली बता रहे दे रहा है नीचे देखो, दिस रिवॉर्ड पर्सन मस्ट बी न्यू यूजर एंड नॉट हैव एग्जिस्टिंग यूजर। मतलब आपको इसमें एक अकाउंट बनाना होना चाहिए तभी आपको इसमें ये क्या मिलेगा, इनका रेफरल अमाउंट मिलेगा। उसके बाद द रेफरल रिवॉर्ड विल बी क्रेडिट आफ्टर
आफ्टर द रेफरल पर्सन कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। पैसे वो जैसे रिचार्ज कर लेता है आपका जो भी रिटेलर है या पर्सन से, उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद रेफरल रिवॉर्ड आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसी, पॉलिसी में इसमें चेंजेस भी होता रहता है। इस तरीके से आप रेफर कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ से बैक करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो रिचार्ज कैसा करें। इसमें रिचार्ज हर प्रकार के होते हैं, एकदम शानदार एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको ऐड मनी करना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ऐड मनी करने के लिए देखो मैं आपको चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे इसमें अभी यूर करंट बैलेंस कितना बता रहा है, 0 रुपीज़, 1 भी रुपीज़ नहीं है। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्या कर सकते हो आप UPI के द्वारा से, जैसे आपके पास फोनपे एप्लीकेशन किसी से भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से PayU पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अमाउंट सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आप जैसे जितने भी अमाउंट का रिचार्ज करना चाहते हो, जैसे जितने भी 900, 1000 या 3000 कितने का भी, तो उसका वो अमाउंट को आपको यह क्या करना है, फिल कर देना है। और अमाउंट फुल करने से पहले मैं आपको एक बार इसका क्या बताता हूँ, रिपोर्ट्स बताता हूँ कि आपको कितना कमीशन मिलता है। कमीशन देखने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, यह एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो 3 डॉट का, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यह एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो आपको, या यूअर कमीशन का, यूअर कमीशन पे क्लिक कर देना है। या आपको देखो प्रोवाइडर्स, उसके बाद आपको कितना कमीशन मिल रहा है, उसके बाद स्लैब्स कौन सा है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। देखो सबसे पहले प्रीपेड, DTH, पोस्टपेड, जैसे आपको हर प्रकार का कमीशन देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको यह मोबाइल रिचार्ज का बताता हूँ, प्रीपेड का। जैसे इसमें देखो अभी बता रहा है एयरटेल का 3.50%, उसके बाद BSNL का 3.50%, उसके बाद आप देख सकते हो आइडिया, जियो, उसके बाद आप देख सकते हो वोडाफोन, सब पे आपको 3.50 का ऐसे ट्रांजेक्शन में आपको ऐसे कमीशन मिलेगा जो कि कोई एप्लीकेशन नहीं देता है। ये सब स्लैब देख सकते हो आप ऐसे। उसके बाद मैं आपको ऐसे देखो करके दिखाता हूँ, ऐसे रिचार्ज मैं ऐसे बैक ले लेता हूँ, ऐड मनी भी क्लिक करता हूँ, फिर से एक बार आता हूँ और ऐसे मैं आपको मिनिमम 22 वाला करके दिखाता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो मैं ऐड मनी पर क्लिक कर देता हूँ, ऐड मनी पर जैसे क्लिक करा अब ऐसे आपको जो भी एप्लीकेशन जैसे सिलेक्ट कर देनी जिससे आपको पेमेंट करनी है, मैं फ़ोनपे पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे फ़ोनपे पर क्लिक करा तो अब मैं फ़ोनपे में एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ। अब जैसे मैं ऐसे पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, अभी आपको यह ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि मैं ये UPI पेमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे देख सकते हो मेरा UPI पेमेंट ऐसे कनेक्टिंग सिक्योरली हो रहा है और यहाँ से मेरा पेमेंट हो चुका है। और उसके बाद सिंपल सा पेमेंट होने के बाद ये देख सकते हो आपको डबल से इसी पेज पे लेके आ जाएगा और यहाँ से कुछ देर में देखो मेरा ऐसे सक्सेस हो चुका है। और यहाँ से मेरे सकते हो देखते हो वॉलेट में कितने आ चुके हैं, वॉलेट लोडेड बैलेंस 22 रुपीज़ आ चुके हैं। ऐसे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से आपके सामने ऐसे मेरा बैलेंस ऐड हो चुका है। और मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, या चेक बैलेंस पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसमें 22 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। अगर आपके इसमें बैलेंस नहीं ऐड होता है तो आपको ऐसे कर सकते हो, इनसे व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हो या इनसे बात भी कर सकते हो कॉल पे, या आपको इनका कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है। अब रिचार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिचार्जेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखो ऐसे 4 प्रकार के रिचार्ज मिलते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, बिल पेमेंट्स। तो मैं मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करूंगा और यह मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो भी आपको इसमें रिचार्ज करना है। जो भी आप कंपनी का मोबाइल नंबर डालोगे इसमें ऑटोमेटिकली ऑपरेटर सिलेक्ट कर देता है, या आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद अमाउंट सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे एक्सप्लोर प्लान पे क्लिक कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो स्पेशल ऑफर्स में भी जा सकते हो। तो सिंपल सा मेरे को डाटा वाला प्लान चाहिए जो कि मेरे को एक्स्ट्रा 1 GB चाहिए, तो मैं ऐसे एक 22 वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ और आपके सामने मैंने 22 रुपीज़ ऐड किया था। अब मैं रिचार्ज करने के लिए क्या करूँगा, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है रिचार्ज वाला, तो सिंपल सा मैं एक बार ऐसे डाल देता हूँ। अब एक बार नंबर चेक कर लेना आपका, उसके बाद रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बताएंगे आपको रिचार्ज ये आपका नंबर सही है क्या, तो यस हमारा नंबर ये सही है। उसके बाद मैं ओके पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद प्लीज वेट बता रहा है, थोड़ी देर हमें यहाँ वेट करना होगा और हमारा ऐसे जो भी रिचार्ज है वो सक्सेसफुली होने वाला है। तो यहाँ से हमारा रिचार्ज हो चुका है, देख सकते हो यह बता रहा है हमको सक्सेस रिचार्ज। उसके बाद देख सकते हो सक्सेस रिचार्ज होने के बाद या मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल सा बैक आ जाते हैं, ऐसे बैक ले लेते हैं। और तो देख सकते हो मैं आपको यह दिखा देता हूँ, सबसे पहले रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे चले आना है। अब आपको दिखाता हूँ मैं कितना कमीशन मिला। देखो मैं 22 रुपीज़ का करो, मतलब मैं ऐसे 1 रुपया मेरे कने बच चुका है 77 पैसे, क्योंकि मैंने बहुत छोटा रिचार्ज किया। मैं आपको दिखाता हूँ या डिटेल समरी पे क्लिक कर देता हूँ, ऐसे मैंने देख सकते हो 22 रुपये ऐड किया, टोटल रिचार्ज 22 का हुआ और मेरा कमीशन भी कितना होगा 0.77 पैसे का हो चुका है। ये मेरा कमीशन इंस्टेंट मेरे इसमें क्रेडिट हो जाता है, ये मेरे इसमें पैसे इंस्टेंट आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रिटेलर हो या नॉर्मल पर्सन हो तो उनसे आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर करके पैसे कमा सकते हो। और अगर आप इसे रेफर करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ऐसे सब बता देता हूँ। जैसे अभी रिचार्ज करने के लिए देखो मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप ऐसे देख सकते हो क्रेडिट कार्ड बिल, उसके बाद पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद फास्टैग, गैस बिल, ब्रॉडबैंड, उसके बाद वाटर बिल, उसके बाद लैंडलाइन बिल, उसके बाद लोन रीपेमेंट, केबल टीवी, LPG, सब्सक्रिप्शन फी, म्यूनसिपल सर्विसेज, हाउसिंग सोसाइटीज़,
क्लब्स एंड एसोसिएशंस, उसके बाद डाटा कार्ड, एजुकेशन फीस, म्यूनसिपल टैक्सेस, हर प्रकार के आपको इसमें बिल्स दिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी आप ऐसे सब कर सकते हो। उसके बाद आप बैलेंस चेक कर दिया आपने, उसके बाद आपको इस तरीके से थ्री डॉट पर क्लिक करके आप इसमें यूअर कमीशन, रिपोर्ट्स, कंपनी, बैंक डिटेल आपने जो डाली, एनेबल डिसेबल करना है पिन वो भी कर सकते हो, देन रेफर वाला फ्रेंड्स है आपको ये इसको जरूर से यूज़ करना है आपको, इससे बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। उसके बाद आपको यह नीचे दो को देखने के लिए मिलता है कि व्हाट्सअप चैट के द्वारा बात कर सकते हो, अगर आपका मनी ऐड नहीं हुआ, डिडक्ट हो चुका है, उसके सब आपको ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा, इंस्टेंटली सपोर्ट कर देते हैं आपको। उसके बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आप इसमें देखो KYC भी कर सकते हो, उनकी अपडेट KYC भी क्लिक करके आपको पैन कार्ड अपलोड करना, उसके बाद आधार KYC हो जाएंगी। उसके बाद आप इसमें बहुत ज़्यादा इनके डिटेल आप इन पर सब पे चेक कर सकते हो और आप ऐसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इसी में इजीली रिचार्ज करना है और आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होंगी, उस पर क्लिक करना है जो कि नाम है इसका डायरेक्ट पे फॉर यू, ज़रूर इससे डाउनलोड करें और ये अच्छे से यूज़ करें और पैसे कमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।